जैसा आप सभी जानते हैं कि दिनांक 13 की मध्य रात्रि में नावाडीह थाना के चिरुटी गांव में एक अपराधियों द्वारा फायरिंग किया गया था और फायरिंग के बाद जो है रंगदारी की मांग की गई थी, जो ITI की बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं उसके संवेदक से। इसके बाद संवेदक द्वारा थाने पर आकर के इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ये चूंकि एक अत्यंत ही संवेदनशील मामला था और अन्य जिले भी आस पड़ोस के सब जगह इस तरह की घटनाएं घट रही थी, लिहाजा हम लोगों ने भी इसके लिए काफ़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए एक अच्छी टीम तैयार की, जिसमें दोनों थाना प्रभारी और पुलिस निरीक्षक बैरमो और इसके साथ दो जो सबसे तेज तरार सब इंस्पेक्टर थे उनको लगाया गया था इस कांड का उद्भेदन करके इनकी गिरफ्तारी की जाए। इसी क्रम में कल एक जगह सूचना मिली और इस सूचना पर जो है जो मेन इसका जो क्रिमिनल था कुतुबुद्दीन अंसारी, जो चिरुडी गांव का ही रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के साथ उसके जो बॉडी सर्च के दरमियान उसके कमर से एक लोडेड पिस्टल और गोली मिली है, जो आप लोगों को दिखलाया गया है। ये कुतुबुद्दीन इससे पहले भी कई बड़े बड़े कांडों में शामिल रहा है, एक लंबी फहरिस्त है इसके अपराध की। कुतुबुद्दीन के बारे में ये कहना उचित होगा कि इसके जेल जाने पर यहाँ जो घटनाएं घट रही है उस अपराध की जो घटनाएं हैं उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। हम लोग काफ़ी जो टीम है पुलिस टीम की प्रशंसा करते हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत से और काफ़ी समय दे करके और लगन से वेदन किया है और इन लोगों को बधाई, और जो विभागीय तौर पर इनको जो पारितोषित होगा उनको दिया जाएगा और एक अच्छा कैच है जब बोकारो पुलिस के लिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे आम जनमानस में भी अच्छा मैसेज जाएगा पुलिस के प्रति। उनके बारे में ही पता चल गया, उनको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, एक और है इसमें शामिल जो है इस घटना में, उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं और उसको भी जल्द ही हम लोग पकड़ लेंगे। टफन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।